गोपाल जी, रीडेवलपमेंट का करीबन 1.25 लाख हाउसिंग सोसाइटी मुंबई और महाराष्ट्र, सबसे पहले यदि आज 60 के पहले कल्चर फ्लैट की बात करें तो मुंबई और महाराष्ट्र से शुरू हुआ प्रति कोऑपरेटिव सोसाइटी। इतनी सोसाइटी है, कन्वेंस नहीं मिला है, रीडेवलपमेंट को आगे बढ़ावा मिले तो उसके लिए सेल्फ रीडेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट की क्या आप इस पर देखिए, कन्वेंस तो बहुत आसान हो गया है, कन्वेंस तो अभी 4 महीने में आपको कन्वेंस मिल जाते हैं, और अभी देवेंद्र जी ने परसों बात कही कि इसमें भी और भी सुधारा करना हो तो हम करेंगे, तो 4 महीने के बदले में 2 महीने में आ जाए, तो कन्वेंस अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा ही नहीं। अब रीडेवलपमेंट के बारे में आपको बताऊँ कि बिल्डर के बारे में जो करना हो करेंगे, सरकार ने जो बदलाव करना हो करेंगे, पॉलिटिशियन लोगों ने अपने कामकाज करने के तरीके को जितो बदली करना है वो करेंगे, वो सारा होगा, लेकिन एक सेक्शन के ऊपर कभी भी कोई बात ही नहीं करते हैं, कम से कम मैं करता हूँ उसके बारे में, और लोग उसको स्वीकारते भी है। ये जो सोसाइटी मेंबर्स होते हैं, अभी इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसकी जीवन भर की पूंजी एक घर है, वही है मीडियम क्लास के लोगों के पास, तो वो बहुत उसके बारे में फुल स्टॉप कॉमा ये वो सब करके एग्रीमेंट करने में 2-2 साल निकाल देते हैं। मैं मानता हूँ कि आपका बेसिक बुनियादी 4 बातों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, आपको जगह कितना मिलना चाहिए, ये एक मुद्दा आ गया। बिल्डर ने TDR वगैरह लोड करके पूरा पैसा भर के CC IOD लाएगा, उसके बाद में बिल्डिंग टूटने के बाद में CC मिलता है। एक मेरे मन में ये है कि IOD के साथ साथ में CC का भी प्रोविजन होना चाहिए, क्योंकि ऑफिसर लोग बाद में बिल्डिंग टूटने के बाद में 2-3 महीने निकाल देते हैं, वो निकालना नहीं चाहिए। IOD का फुलफिल पूरा कंडीशन करने के बाद में लोग शिफ्ट हो गए, तुरंत उसको CC मिलना चाहिए, या तो आपका बिल्डिंग टूट गया तो इट इज़ डीम CC से मानकर चलना पड़ेगा, ताकि दूसरे दिन काम शुरू कर सके। अब जो मेंबर्स लोग हैं, मेंबर्स लोग ने 4 बुनियादी, आपको जगह कितना ज़्यादा मिलना चाहिए, जैसा मैंने बताया कि बिल्डिंग प्रपोजल में जाकर TDR लोड करके वो CC तक का पूरा फॉर्मेलिटी उसने कर दिया, ये हो गया। आपका कॉर्पस फंड कितना देना है, आपको भाड़ा कितना है, और आपको कितने दिन में पोजीशन दे देंगे, ये 5 बुनियादी चीज़ अगर एक पेपर में आ जाता है तो भी चलेगा, एक फॉर्मेट में आ जाएगा तो देखिए, आप बड़े से बड़े सॉलिसिटर के पास जाकर 2 साल बिगाड़ कर भी एग्रीमेंट करते हैं और बिल्डर समझो उसको फुलफिल नहीं करता, तो आपको बाद में तो जाना कोर्ट में ही है। बाद में जाना तो कोर्ट में ही है ना, क्या कोई सॉलिसिटर एडवोकेट आपके रिक्वायरमेंट को पूरा करके दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। तो व्हाई यू आर वेस्टिंग सो मच टाइम? क्योंकि टाइम वेस्ट ना करने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका निगोशिएशन होता है तब कॉरपोरेशन का और गवर्नमेंट का एक कानून होता है, आप 2 साल के बाद में एग्रीमेंट करते हो तो कानून बदल जाते हैं, तो इसमें बहुत बड़ा लंबा समय निकल जाता है। थोड़ा देखिए, आप किसी के ऊपर भरोसा मत करिए, मैं कहता हूँ भगवान के ऊपर तो करो, भगवान किसी का बुरा नहीं करेगा, भगवान के ऊपर तो बुरा करो। आप कोई बिल्डर के साथ में 3 महीने में तो आपका सारा हो जाना चाहिए और आपको दौड़ना चाहिए, तो ये डेवलपमेंट का काम जो रीडेवलपमेंट का काम है वो तेज गति से आगे बढ़ेगा, सर मैं मानता हूँ। जो हाउसिंग सोसाइटी, तमाम हाउसिंग सोसाइटी रीडेवलपमेंट के कगार पर है, उनको क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे 79A गवर्नमेंट ने बनाया है, वो फॉलो लाइन है, बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिसमें आप जाके सेल्फ रीडेवलपमेंट, आपके संसदीय क्षेत्र में चारकोप की बात करेंगे तो 6-7 हाउसिंग सोसाइटी सेल्फ रीडेवलपमेंट में जा रही है, तो उन लोगों को क्या आह्वान करेंगे आप? बहुत जा रही है, इसमें मैं पहले फर्स्ट में तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ने भी, मेरे मन में जो है कि आने वाले दिनों में आपको पूरे मुंबई शहर के डेवलपरों को एक यादी बनानी पड़ेगी, ABC कैटेगरी उनको दे दो चाहिए तो। ए कैटेगरी वाला बड़ा से बड़ा काम कर सकता है, बी वाला उससे छोटा कर सकता है, सी वाला वो छोटा कर सकता है, लेकिन सारे लोगों की एक यादी हमको बनानी पड़ेगी। आज तो कोई भी एक व्यक्ति आ जाता है और अनाप शनाप ऑफर दे के लोगों को चंगुल में ले लेता है, एग्रीमेंट कर लेते हैं, बाद में काम पूरा नहीं करता, ये नहीं चलेगा। गवर्नमेंट के पास, कॉरपोरेशन के पास एक बिल्डर लोगों की यादी उन्होंने प्रसिद्ध करनी चाहिए कि ये सारे लोगों के साथ में करो और हर साल उसमें एडिशन करते जाओ, जो गलत करते हैं उसको ब्लैकलिस्ट करके उसको निकाल दो, ऐसा एक करना चाहिए। अब मेरी पार्टी की सरकार महानगर पालिका में आए, हम सब लोगों का प्रयास है, तो हमारी सरकार आने के बाद में क्या है, तो मैं मानता हूँ कि जो पिछले लोगों ने नहीं दिया वो पूरा का पूरा हमको लोगों को देना पड़ेगा, एक सिक्योरिटी देना पड़ेगा। लोगों का ये कॉरपोरेशन है, लोगों की ये सरकार है, ऐसा लोगों को लगना चाहिए, तो उसको मैं मानता हूँ कि ये भी हमको करना पड़ेगा आने वाले दिनों में, ये मेरे मन में है, तो मैं देवेंद्र जी के पास भी ये प्रपोजल रखने वाला हूँ। बिल्कुल, इस तरह से जैसे गूगल रिव्यू सब कंपनीज को स्टार देता है, वैसे स्टार देंगे तो लोगों को आसानी होगी, आसानी होगी। बिल्कुल, एक सवाल है सत्यप्रकाश सोनी जी का, सांसद जी आप लंबे समय से SRA योजना और बिल्डर द्वारा किए जा रहे अनियमितता को लेकर आवाज उठा रहे हैं, अब लोग ज्यादा से ज्यादा SRA से जुड़ी समस्या लेकर आप तक पहुंचते हैं, आपका चेहरा मतलब SRA से, आपके संसदीय क्षेत्र में है भी SRA बहुत, तो अब सवाल यह है कि SRA से रोजाना मीटिंग उसे हल करें, महाविकास आघाड़ी सरकार में बने
मंत्री महोदय ने जो काम नहीं किया, क्या आपकी सरकार आने के बाद वह अत्यंत तेजी से हो पाएगा? जो विकासक जनता के साथ धोखा करते हैं, क्या उन्हें प्रोजेक्ट से हटाकर दूसरे विकल्प लाने की मांग करेंगे? निश्चित, देखिए ये किसी भी डेवलपर को तुरंत हटाना वो भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सब कुछ सरकार के पास नहीं है, लोग कोर्ट में जाते हैं, फिर वापस प्रोजेक्ट हेल्ड अप हो जाता है। इसलिए सरकार का प्रयास, एसआरए के लोगों का प्रयास हो या तो मेरे जैसे पॉलिटिशियन का प्रयास हो, जो कर रहा है उसी के पास से करवा लो, अगर कोई कारण से वो नहीं करता तो फिर उसको हटा दो, फिर दूसरे के पास से करवा लो, ये एक पर्याय हो सकता है। अब गवर्नमेंट के माध्यम से जो आपने कहा कि इसमें, मैं अभी लास्ट बातें मैंने अभी पब्लिक डोमेन में रखा, जो एसआरए के स्कीम में जो लोग होते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता बंदे होते हैं वहाँ पर, उन्होंने भी प्रामाणिक होने की आवश्यकता है। आप स्वयं भ्रष्टाचार से लिप्त हो जाओ और सब बाकी सारा सिस्टम ठीक ठाक होना चाहिए, इस ये अपेक्षा आप करोगे तो ये संभव नहीं है। अब ये सोसाइटी के मेंबर, गवर्नमेंट का कानून है 150-200 फुट वाले को 300 फुट का घर मिल रहा है, लोग उसके लिए तैयार भी है, लेकिन ये सारे जो लीडर, सो कॉल्ड लीडर होते हैं, मैं सारे लोगों के बारे में नहीं कहता हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोग है वहाँ पर, ये बिल्डर के पास से 10,000 रुपये लेना, 15,000 रुपये लेना, हाई फाई सोसाइटी वहाँ पर 25,000 रुपये का रेट हो गया कंसर्न लेने के लिए सिर्फ, और वो कंसर्न लेके बिल्डर आता है, बिल्डर फिर वापस जूनियर इंजीनियर से लेके सीईओ तक सारा प्रोसीजर पूरा करके वो स्कीम पास करके लाता है, इसमें फिर वापस वहाँ पर दो ग्रुप सोसाइटी में हो जाती है, फिर एक ग्रुप और एक बिल्डर को पकड़ के लेके आता है, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरा कहना है कि गवर्नमेंट ने भी थोड़ा एक और अमेंडमेंट की आवश्यकता है, अभी 51% तक हम आ गए। मैं मानता हूं कि सरकार के जमीन पर, कॉरपोरेशन के जमीन पर, माड़ा के जमीन पर बसे हुए लोगों का कोई कंसर्न का कंडीशन निकाल देना चाहिए। आपको घर मिल रहा है 300 फुट का, आपने गवर्नमेंट ने तय करना चाहिए, और तुरंत जिनके पास 2011 का है, 2000 का है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में 2000 से 2011 तक कुछ सशुल्क है, ताबड़तोब उनको घर मिले, इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोसीजर में बहुत लंबा समय निकल जाता है, बहुत लंबा समय निकल जाता है, और उसके बाद में गवर्नमेंट के पास प्रपोजल एसआरए में सबमिट करने के बाद में बिल्डर को 1 महीना 2 महीना 3 महीने में उसको सीसी मिल जाना चाहिए, इस प्रकार का हमको कानून बनाना पड़ेगा। ऑफिसर के मन में आएगा, ऑफिसर तय करेगा तब वो उसको सीसी देगा, तो ये नहीं चलेगा। फिर ये चुने हुए जनप्रतिनिधि क्या करने का, सरकार ने क्या करने का? अब पूरा का पूरा सिस्टम को अगर ऑफिसर अपने हाथ में ले लिया जाए, जो बाबूगिरी की वजह से पूरी दुनिया परेशान है, वो बाबूओं के हाथ में आप पूरा प्रोजेक्ट को देगा तो नहीं चलेगा। बिल्डर ने प्रपोजल डालने के बाद में 3 महीने के अंदर उसको आप ओके कर दो या तो आप उसको रिजेक्ट कर दो विथ रीजन, तो ये स्कीम बहुत तेजी से आगे चल जाएगी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स की वजह से ही ये सब प्रोजेक्ट स्टॉल या फिर रुके हो रहते हैं, कहीं ना कहीं नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर होने का एक कारण ये भी है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जितना उस ये सारे बातों के साथ में जुड़ जाना चाहिए, वो जुड़ता हुआ दिखाई नहीं देता, ये भी मुझे लगता है। मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में एक सिस्टम ये भी होना चाहिए कि पॉलिटिशियन लोग कितने प्रोजेक्ट को कंप्लेन करके रोकते हैं। बिल्कुल, ये योर प्रॉब्लम इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, नॉट टू क्रिएट द प्रॉब्लम। बिल्कुल, सोसाइटी के लोग बिल्डर का कंप्लेन करके रोक देंगे, पॉलिटिशियन लोग बिल्डर का कंप्लेन करके काम को रोक देंगे, ऑफिसर लोग उसको पूरा निचोड़ कर, तो कैसा बिल्डर जाएगा, बिल्डर कैसे काम करेगा, तो बताओ कैसे काम करेगा। मैं बिल्डरों का कोई बिल्कुल हिमायती नहीं करता हूँ, तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन बिल्डर जो अच्छे हैं उनका तारीफ मैं जरूर करूँगा, उनको मैं सपोर्ट जरूर करूँगा। मेरी आवाज़ को जो भी सुनते हैं, जो उनको लगता है ये बिल्डर ने गलत किया है, धोखाधड़ी किया है, आप लिखकर मेरे पास लेके आओ, मैं तुरंत सरकार के पास भेजकर उसको कार्रवाई करने की बात करूँगा। एक भी केस बाकी रखूँगा नहीं, वो सरकार का काम है सही है कि नहीं देखने का, लेकिन मैं यहाँ से भेज दूँगा, मैं यहाँ से भेजने का काम करूँगा। बिल्कुल, रेरा हो, मोफा हो, ऐसे कानून है कि बिल्डर सब तरफ से वो है, तो बिल्डर रेवेन्यू तो जनरेट करता, लोगों को घर भी देता, तो उस बिरादरी को संभालना जरूरी है। अच्छे जो डेवलपर्स हैं उनको संभालना ही चाहिए, बिल्कुल संभालना भी चाहिए, तब जाके हमारे समाज में बैलेंस रहेगा।